हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल में काम कर मशहूर होने वाली एक्ट्रेस सना ईरानी को आज भी खुशी कुमारी गुप्ता के नाम से पहचाना जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी उन्हीं की ही लाइफस्टाइल के बारे में। साल 2023 में उनकी रियल एज क्या है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनकी सैलरी कितनी है, अभी तक उनकी बैंक बैलेंस कितनी है, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है सनाए ईरानी, उनका निकनेम है सान और सन्नू। 17 सितंबर 1983 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है मुंबई, महाराष्ट्र। उनका हाइट है 5 फीट 5 इंच और उनका वेट है 50 kg। उनकी फिगर मेजरमेंट है 32-23-34। उनकी जोडाइक साइन है वर्गो। साल 2023 में उनका रियल एज है 40। उनकी हॉबीज है शॉपिंग, डांसिंग और ट्रैवलिंग। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने ओटी की बोर्डिंग स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद उन्होंने साईदेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने MBA की है। उनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक एक्ट्रेस और मॉडल है। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। सना ने मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली मॉडलिंग पोर्टफोलियो फोटोग्राफर कम एक्टर बोमन ईरानी ने किया था। उन्होंने कई सारे फेमस बॉलीवुड स्टार्स के साथ एडवर्टाइजमेंट शूट किया था, जैसे कि शाहरुख खान, करीना कपूर और भी कई सारे। साल 2007 में लेफ्ट राइट लेफ्ट शो के साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला डिब्यू दिया था, जहां पर वो कैडेट समीरा श्रॉफ के किरदार में नजर आए थे। साल 2008 में इमेजिन टीवी के शो राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएगी में वो नेगेटिव रोल में नजर आए थे। ठीक उसी साल ही वो मिले जब हम तुम में गुंजन के किरदार में उन्हें देखने को मिला था। साल 2010 में सना ईरानी को अपने बॉयफ्रेंड मोहित सेगल के साथ जरा नच के दिखा सीजन 2 में होस्ट करते हुए देखा गया था। ठीक उसी साल वो नचले भी विद सरोज खान और मीठी छुरी नंबर 1 में कंटेस्टेंट के तौर पर देखने को मिला था। उनकी पॉपुलैरिटी दुगनी हो गई जब वो स्टार प्लस की शो इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल में खुशी कुमारी गुप्ता के किरदार में नजर आई थी। लोगों को उनका ये किरदार बेहद पसंद आया था। साल 2013 में वो टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ जी टीवी के शो वैलेंटाइंस डे स्पेशल इश्क वाला लव को होस्ट किया था। इसके बाद उन्हें वेलकम बाजी मेहमान नवाजी की में कंटेस्टेंट के तौर पर देखने को मिला था। इसके अलावा उन्हें टीवी सीरियल छन छन में भी देखने को मिला था। साल 2014 में रंगरसिया में वो पार्वती के किरदार में नजर आए थे। साल 2015 में वो झलक दिखला जा सीजन 8 में कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट किया था। साल 2017 में वो अपने हस्बैंड मोहित सेगल के साथ डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 8 में पार्टिसिपेट किया था। साल 2006 में उन्होंने फना मूवी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। साल 2018 में वो दो शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी, जैसे कि पीहू और दम दमरू। साल 2019 में फिल्म घोस्ट में वो सिमरन सिंह के किरदार में नजर आई थी। साल 2020 में वो वेद और आर्या शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी। साल 2006 में वो कई सारे म्यूजिक वीडियोस में नजर आई थी, जैसे कि मेरी नसीब में तू है और तुमको देखा तो ये। साल 2012 में वो म्यूजिक वीडियो कुल्ली वुचनी यार लवली में नजर आई थी। साल 2018 में वो नजर आई थी म्यूजिक वीडियो मैं जान दिया में। साल 2019 में उन्हें म्यूजिक वीडियो इंतजार में देखने को मिला था। साल 2022 में वो म्यूजिक वीडियो ढोलना में नजर आई थी।
साल 2015 में वो मिनी सीरीज इस प्यार को क्या नाम दो एक जश्न में नजर आई थी। साल 2016 में वो वेब सीरीज आई डोंट वॉच टीवी में नजर आए थे। साल 2018 में उन्हें दो वेब सीरीज में देखने को मिला था, जैसे कि वोट का शॉर्ट्स और जिंदाबाद। इसके बाद ही उन्हें साइबर बार हर स्क्रीन क्राइम सीन में अनन्या साइनी के किरदार में देखने को मिला था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। साल 2008 में मिले जब हम तुम सीरियल के लिए उन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया था। साल 2012 में इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल में उनके किरदार को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड मिले थे, जैसे कि गोल्ड अवार्ड, स्टार परिवार अवार्ड, पीपल्स चॉइस अवार्ड इंडिया और इंडियन टेली अवार्ड। साल 2013 में चंचन सीरियल में उनके किरदार को देखते हुए उन्हें इंडियन टेली अवार्ड और गोल्ड अवार्ड दिया गया था। साल 2014 में रंगरसिया सीरियल में उनके किरदार को देखते हुए उन्हें एशियन व्यूअर्स सेलिब्रेशन अवार्ड दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो ईरानी फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिता का नाम है रोहन ईरानी, उनका माँ का नाम है माया ईरानी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने साल 2016 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और टीवी एक्टर मोहित सेगल के साथ शादी रचाई थी। उनका एक बेबी बॉय है जिनका नाम है फिन वॉकर ईरानी। उनकी बेस्ट फ्रेंड है टीवी एक्ट्रेस रश्टि धामी। दोनों एक साथ ही टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करती है और दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो पार एपिसोड के लिए वो 2 लाख रुपए लेती है। उनका नेटवर्थ है 42 करोड़। चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास वॉक्सवैगन मॉडल की कार है जिसका कीमत है 33 लाख। उनके पास स्कोडा ऑक्टेविया मॉडल की कार है जिसका कीमत है 25 लाख। उनके पास मर्सिडीज सब मॉडल की कार है जिसका कीमत है 60 लाख। चलिए जान लेते हैं सना ईरानी की कुछ अनजानी बातें। आपको बता दें, एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस को फैशन और इंटीरियर डिजाइन में काफी इंटरेस्ट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक्ट्रेस एमबीए करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कई सारे मॉडलिंग ऑफर्स मिल गए थे, जिसके बाद उन्होंने एमबीए करने का प्लान कैंसिल कर दिया था। उनके पास 3 पेट डॉग्स है जिनके नाम है टिया, स्पाइडर और कालिया। सना ईरानी की पहली फोटोशूट किया था बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ने, जो तब फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करते थे। आपको बता दें, सनाया द ईस्टर्न आई सेक्सिएस्ट एशियन वुमन की लिस्ट में 3rd पोजीशन पर आई थी। सनाया ने कई सारे बॉलीवुड सेलिब्स के साथ एड कॉमर्शियल शूट किया था, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। चंचन सीरियल की शूटिंग के दौरान उनके को एक्टर फरहान खान के साथ कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में उनका नाम जोड़ा गया था। उनका एक भाई और एक बहन है जो यूएस के शिकागो शहर में पले बड़े है। आपको बता दें, एक्ट्रेस को यूएस से शॉपिंग करना बेहद पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में आप किसका लाइफ स्टाइल देखना चाहते है वो कमेंट करके हमें जरूर बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।